हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद माय एनी वीडियो। तो आज हम लोग जानने वाले हैं विभाषा का नियम में 10 विभाषा का नियम। तो बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का नियम है 10 विभाषा का रूल, जो बहुत ही आसान है, जिसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। इसका कहना है कि जिस संख्या के इकाई स्थान में क्या हो, शून्य हो, जिस संख्या के इकाई स्थान में अंत में क्या हो, शून्य हो, वह संख्या क्या हो जाएगी हमारा, 10 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, 10 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल कुछ लिखा है, जैसे 9710 बोला। अगर पूछा गया क्या यह संख्या 10 से विभाज्य है, क्या यह संख्या क्या है, 10 से विभाज्य है, तो हमारा आंसर क्या होगा, जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, शून्य। इसका इकाई स्थान यह है, क्या शून्य है इसके स्थान पर, हाँ है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 10 से डिविजिबल हो जाएगी। अगला देखते हैं, इसके इकाई स्थान पर क्या शून्य है, हाँ हो जाएगी, इसके इकाई स्थान पर शून्य है, हाँ, इसके भी हाँ। अब अगला एग्जांपल है हमारा, जिसके इकाई स्थान पर शून्य नहीं है, लेकिन अगर पूछा गया क्या यह संख्या 10 से विभाज्य है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि इसके क्या है, इकाई स्थान पर शून्य नहीं है। तो हमारा 10 का नियम क्या बहुत ही आसान था, जिसको मैंने अच्छी तरह से समझ लिया। तो आज की व्यवस्था करने में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।